हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके। अभी तक मैंने सारे TH11 के वीडियोस डाले थे और बिल्डर हॉल 9 के। अब मैं आपके लिए लाया हूँ TH10 की स्ट्रेटजी, जो सबसे बेस्ट है हाइब्रिड स्ट्रेटजी। तो आप जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की स्ट्रेटजी की तरफ। हम यूज़ करने वाले हाइब्रिड स्ट्रेटजी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट लाइक स्ट्रेटजी ऑफ टाउन हॉल 10। लेट्स गो फॉर इट गाइस। मैं आपको पहले एक रिप्ले दिखाऊंगा, फिर लाइव अटैक भी करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सी द वीडियो टिल द एंड एंड देन यूज इट टू गेट 3 स्टार्स। लेट्स गो फॉर द रिप्ले। ये आप देख सकते हैं मेरी आर्मी, मैंने यूज़ की है आर्चर क्वीन, हीलर 5, हमारा क्वीन 4 जो है यहाँ पे, 14 माइनर्स, 13 हॉग राइडर्स, 1 बेबी ड्रैगन, 5 वॉल रेकर्स, 1 आर्चर, सीज बैरक्स लिया है मैंने, सीज बैरक्स में मैंने लिए हॉग राइडर्स और पॉइजन लिया है मैंने। स्पेल्स आप देख सकते हैं, हीलर हील 3 लिए, 2 रेज, 1 फ्रीज और बार्बेन किंग भी हमारा है। लेट्स गो फॉर द अटैक। पहले हम करेंगे क्वीन चार्ज, क्वीन विथ हीलर्स। मोस्ट ऑफ द बेस हमारा क्वीन ले जाएगी, जैसे क्वीन के 8 पॉइंट्स डाउन हो आप रेज यूज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा रेज जो है वो हीलर्स पे भी जानी चाहिए। ये रेज मेरा एक गलती से छूट गया है, फिर भी मेरा अटैक हो जाएगा 3 स्टार, देखिए आप कैसे होगा। सारे वॉल रेकर्स छोड़ दीजिए, वो रास्ता क्लियर कर देंगे तो हमारी क्वीन सीधा अंदर जाएगी। और ये सीसी में से निकले ड्रैगन्स और बलून्स सब मैक्स है, तो हमने उनमें पॉइजन डाल दिया है। क्वीन हमारी सबको टैकल कर लेगी। फ्रीज डाल दिया है क्योंकि वो हमारा रेंज नहीं बचाता है, क्वीन की एबिलिटी यूज़ हो चुकी है और उसने सीसी ट्रूप को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे कॉर्नर पे हम डाल देंगे सीज बैरक्स और बार्बेजन किंग, बेबी ड्रैगन भी डाल दीजिए। सीज बैरक्स में से विजर्ड निकलेंगे, जब तक सीज बैरक्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा अटैक को ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे ही सीज बैरक्स डिस्ट्रॉय होगा माइनर्स और हॉग राइडर्स डाल दीजिए, फिर उन पे हील डालते जाइए, तो वो आपका अटैक कर जाएंगे 3 स्टार। ये देखिए सीज बैरक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमने सारे माइनर्स हॉग राइडर्स भी छोड़ दिए हमारे, वो अंदर जाएंगे, हील डाल देंगे थोड़ी देर बाद। देखिए सबके सब सीधे अंदर जा रहे हैं, हॉग राइडर्स डिफेंसिस डिस्ट्रॉय करेंगे और माइनर्स जो बिल्डिंग बच जाएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हील डालते रहिए और ये इजीली हमारा अटैक कर जाएंगे 3 स्टार। वाह, व्हाट अ स्ट्रेटजी, हाइब्रिड सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है TH10 एज वेल एज 11 के लिए। तो आप इसे यूज़ करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। वो लास्ट डिफेंस भी हो चुका है डिस्ट्रॉय, हॉग राइडर्स फिर भी हमारे बचे हैं जो पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। माइनर्स भी आप देख सकते हैं, पैका भी हमारा बचा हुआ है, विजार्ड भी है, तो ये हमारा अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार। नेक्स्ट मैं आपको एक लाइव अटैक करके दिखाऊंगा वॉर में, देखिएगा हमारे अटैक 3 स्टार हो पाएगा या नहीं। ये स्ट्रेटजी में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, टाइम फेल, यानी कि आप 95% जैसा कर जाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा लेट भी ना करें कि टाइम फेल हो जाए। ये हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार विदाउट अ टाइम फेल। लेट्स गो फॉर द लाइव अटैक। ट्रूप्स आप देख सकते हैं सेम टू सेम मैंने लिए, तो पहले हमने डाल देना है क्वीन चार्ज करेंगे हम विथ हीलर्स। साइड बेस क्लियर कर रहे हैं हम बेबी ड्रैगन से और बार्बेरियन किंग से। रेज डाल दीजिए क्योंकि क्वीन मरने वाली थी,
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हमने डाल दिए जिन्होंने वे क्लियर कर दिया, और जिस इसी में से इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून साथ बलून आया है तो हमने पॉइजन डाल दिया। रेज यूज कर लीजिए तो हमारी क्वीन उनको डिस्ट्रॉय कर जाएंगी। आज एक बार्बेजन ने आगे का बेस डिस्ट्रॉय कर दिया है तो हमने सीज बैरक्स डाल दिया जिसमें से पैगा निकला है और विजार्ड्स निकलेंगे। सीज बैरक डिस्ट्रॉय ना हो तब तक आप हॉग राइडर्स को मत डालिएगा। जैसे ही सीज बैरक डिस्ट्रॉय हो वहीं से आप हॉग राइडर्स और माइनस डाल दीजिए। देखिए मोस्ट ऑफ द बेस हमारा क्वीन ही डिस्ट्रॉय करेगी। जस्ट एन ऑसम स्ट्रेटजी, ओवर पावर्ड हाइब्रिड स्ट्रेटजी। ये हमारे हॉक्स निकल चुके तो हमने हॉक्स और माइनर्स अपने भी डाल दिए। देखिए आप देख सकते सीधा सीधा वो अंदर जाएगा बेस के। हील यूज करते रहना है थोड़ी देर बाद जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। ये मल्टी इन्फर्नो है, एक्सपो बहुत डैमेज दिया था तो हमने उस पर फ्रीज डाल दिया और हील दो बचे अभी भी तो हमारा अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार। ये स्ट्रेटजी को बहुत प्रैक्टिस लगती है गाइस, तो बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये सही से काम करेगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा ये सीखने के लिए। सो आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको इजीली आ जाएगी और आप इजीली हर अटैक को 3 स्टार कर जाएंगे विदाउट अ टाइम फेल। टाइम फेल के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सो कीप लर्निंग वॉचिंग माई वीडियोज। ये अटैक हो गया हमारा 3 स्टार, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लाइव अटैक की ओर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लाइव अटैक गाइस। ये देख सकते हैं आप सीधा मैं वॉर में अटैक कर रहा हूं, ट्रूप्स मेरे आप देख सकते हैं सेम टू सेम। लेट्स अटैक। मेरे यहां पे क्वीन चार्ज करना, इससे क्वीन अंदर जाए सीसी ट्रूप को बाहर निकाले, सीसी ट्रूप मर जाए फिर आप हमारा मेन अटैक शुरू करेंगे सीज बैरक्स और बार्बेन क्वीन के साथ। क्वीन चार्ज हमने स्टार्ट कर दिया है। बेबी ड्रैगन डाल दिया साइड पे और सारे वॉल रेकर्स डाल दिए जो वॉल्स तोड़ देंगे जिससे हमारी क्वीन सीधा अंदर जाएगी। और ये किसी में से निकला है आइस गोलम और ड्रैगन तो हम पॉइजन डाल देंगे। क्वीन को रेज दे देंगे और क्वीन उनको डिस्ट्रॉय कर जाएगी। अगर सीसी ड्रूप्स आपको ज़्यादा दिक्कत दे तो आप फ्रीज भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने एक फ्रीज भी रखा है सेफ्टी के लिए। और ये हमारा सीसी ड्रूप्स हो चुके डिस्ट्रॉय तो हमने डाल दिया है बार्बेरियन किंग और पैका दूसरी साइड पे। यहाँ का बेस हमारा क्वीन संभाल लेगी। सीज बैरक डिस्ट्रॉय हो जाए फिर हम डालेंगे हमारे हॉक्स एंड माइनर्स, फिर हीलर्स हील यूज करेंगे और हमारा अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार। देखिए हम कर पाते हैं 3 स्टार या नहीं। यहाँ पे बार्बेरियन किंग बहुत डैमेज दे रहा था तो हमने फ्रीज यूज कर लिया है और ये सीज बैरक्स होने वाला है डिस्ट्रॉय, हो चुका है तो हम डाल देंगे हमारे माइनर्स एंड हॉक्स। देख सकते हैं बार्बेरियन किंग की एबिलिटी हमने यूज कर ली। क्वीन की अभी भी बची हुई है, क्वीन फुल हेल्थ विद हीलर्स और हमारे हॉक राइडर्स और माइनर्स अंदर जाते हुए तो हम हील डालते जाएंगे उन पे। अभी भी एक हील बचा हुआ है, एक इन्फर्नो डाउन, सेकेंड इन्फर्नो भी हो जाएगा डाउन, ये हो चुका है डाउन। अब थोड़ी देर बाद हम लास्ट हील भी यूज़ कर लेंगे तो हमारे ट्रूप्स इजीली 3 स्टार कर जाएंगे अटैक को। ये हमने यूज कर लिया है लास्ट हील हमारा। आर्चर पिन विथ फुल हेल्थ एंड एबिलिटी ऑल्सो लेफ्ट। क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे विदाउट अ टाइम फेल गाइस? लेट्स सी। ये गाइस ऑल डिफेंस इज डिस्ट्रॉयड तो हमारा अटैक हो जाएगा 3 स्टार। हॉग राइडर्स बचे हुए, क्वीन विद फुल हेल्थ, माइनर्स भी थोड़े थोड़े बचे हैं।
और ये हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार। सो गाइस, अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं आपके लिए लाऊंगा एक और तड़कता भड़कती स्ट्रेटजी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।